फिल्म सच था, थोड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, पिक्चर वाइज फिल्म नहीं है। ये जो घटना घटी है वो लोग दिखा रहे हैं कि जो मुसलमान व्यक्ति जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है वो घटना को कैसे महसूस करते हैं और बाद में समझते कि अपने बेगुनाह लोग को मार डाला है उन्होंने। ये बेगुनाह से उनको जन्नत नहीं मिलती और मौलवी साहब बोलते हैं आप अपने जान दो, पर वो अपना जान कुर्बान नहीं करते, उन दूसरे को बोलते हैं अपने जान कुर्बान करने के लिए। तो ये जो इंसिडेंस है ना एकदम सही है। उसके बारे में मैसेज काफी स्ट्रॉन्ग है फिक्शनल स्टोरी को लेके, मतलब अफकोर्स एक एंगल है ब्लास्ट का, बट एक थोड़ा फिक्शनल ब्लास्ट दिखा के है, मैसेज है उसमें। एक्टिंग वाइज बात करें, एक्टिंग वाइज तो अच्छी, मतलब आमिर बशीर है और पवन मल्होत्रा है उनके ऊपर ही पूरी फिल्म है। हाँ। तो अफकोर्स एक्टिंग वाइज बहुत अच्छे है वो लोग, वो दोनों बहुत नामचीन कलाकार है। मैसेज कम्प्लीट है, मैसेज समझ में आ रहा है कि आप इनोसेंट लोगों की जाने लोगे तो आपको ना बदतर बुरे मिलने वाली है, आपको ना जन्नत मिलने वाली है, आप मतलब अंधेरे में ही जाने वाले हो, आप इनोसेंट लोगों की लाइफ लोगे। तो वो एकदम क्लियर मैसेज है, बट उसको बताने का तरीका आई एम सॉरी थोड़ा बोरिंग है और एकदम आर्ट टाइप फिल्म है। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग पवन मल्होत्रा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो दूसरे एक्टर है उनके साथ, सॉरी उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आमिर बशीर, आमिर बशीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, दोनों एक्टर्स ने एकदम जान डाल के एक्टिंग की। So, कैसे लगी मूवी आपको? मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, जब मैं इसका ट्रेलर देखा था उसी टाइम से मैं सोचा था कि मैं ये मूवी देखने जाऊँगा जी, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी जी। इनफैक्ट उनका डायरेक्शन, उनकी एक्टिंग, जो हमारे एक्टर है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगी। हाँ। और उसमें जो मैसेज थी उन्होंने, जो मैसेज क्लियर था एकदम, वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर मैसेज, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है और Peace is the message we are trying to give from the movie. Okay. और ये बात करें कि ये एक्टिंग की बात करें तो कैसे एक्टिंग कैसे लगी आपको? एक्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, ऐसा नहीं लगा मुझे भी सेकंड की मुझे बोर हो रहा है छोड़ कर निकल जाना चाहिए, तो आई एंजॉयड द मूवी। मुझे पता नहीं बट यस मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों को जरूर सजेस्ट करूँगा ये मूवी देखने के लिए। ओके। और मेरे फैमिली लोग को भी, और आई लाइक द मूवी जी। कैसा लगा आपको? एकदम मस्त पिक्चर है, डायरेक्टर ने मस्त बनाया, दो व्यक्तियों को काल्पनिक भ्रम दिखाया है। हाँ। और उनको वो सब बॉम्ब ब्लास्ट के घटनाओं जो उन लोगों ने गढ़ा है। हाँ। उनको काल्पनिक भ्रम सपना में लेके फिर तो उनको रियलाइजेशन होता है कि ये गलत काम किया बेगुनाह को मार के। हाँ। ये नहीं, मौलाना बोलता आपको बहत्तर सुंदरिया मिलेंगे, उसको कैसे मालूम है कि बहत्तर सुंदरिया मिलेंगे उसको कहते हैं। वो बोलते हैं कि आप जान दो, वो खुद जान नहीं दे रहे, दूसरे का बोल रहे जान दे रहे, गलत है ना, आप खुद क्यों नहीं दे रहे, तो आप सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बाद में उनको मालूम पड़ता है कि दूसरों को मार के जन्नत नहीं मिलते, दूसरा के मिलते, क्योंकि उनके परिवार बाद में रहते हैं, मौलाना को उनका फल मिलते हैं, क्या फल मिलते हैं उसका पैसे मिलते हैं, उनके परिवार जो परिवार उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया वो समझते कि 72 सुंदरिया और जन्नत मिलेगा, पर उनके परिवार सड़ते हैं। ये सब दिखा है, ये डायरेक्शन टॉप क्लास है, एक्टिंग टॉप क्लास है, ये डॉक्यूमेंट्री की तरह है और ये दिखाया है, ये पिक्चर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री है। 4/5 में रेटिंग देता है। आपने 72 हुरे मूवी देखा? हाँ मैंने देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ। अभी पूरा मैं बैठ के ध्यान से पूरा मैंने देखा था मूवी, आप लोग भी आइए देखिएगा। अच्छा तो मैं बात करूँगा एक्टिंग की, बात करूँगा तो एक्टिंग कैसी लगी, स्टोरी कैसी थी? स्टोरी एक्टिंग दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा है, बोलने में चिंता नहीं हुई, ये उतना देखने में अच्छा आपका ये अपना लगेगा, सबकी बहुत अच्छी थी एक्टिंग। और फिर से देखना चाहेंगे ये मूवी जाके? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो देख लिया है। हाँ। अभी कुछ दिन बाद देखना है। तो कितने स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5 में से? 5 में से 5/5 होगा। बहत्तर रूल जस्ट अभी मैं देख के निकला हूँ और मुझे ना मूवी बहुत अच्छी लगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फिल्म देख के आ रहा हूँ और वहाँ पर जो ऑडियंस थी उनको बहुत मूवी पसंद आई, लोग किसी किसी सीन पे तालियां बजा रहे थे और किसी किसी सीन पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे थे, जो मेरे बगल में अंकल बैठे थे और इधर एक आंटी बैठी थी, सब लोग ने मूवी को बहुत अच्छा सराहा और लोगों की नज़र नहीं हट रही थी, इतना ज़्यादा वो पॉजिटिव थे। और जो ये इस फिल्म में मैसेज देने की कोशिश की गई है वो
बहुत अच्छी है और वो देखने लायक है। और जिस प्रकार से लोग बोल रहे थे कि ये वन साइडेड मूवी बनाई जाती है या जो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सब लोग जितने लोग सब मूवी देखिए, आपको समझ में आएगा कि फिल्म मेकर ने क्या बनाई है, किस प्रकार की फिल्म बनाई और किस प्रकार का मैसेज दिया है। एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? दो एक्टर थे जो पवन मल्होत्रा और बाशिश, दोनों ने किसी जबरदस्त एक्टिंग की है। शायद ही ऐसी एक्टिंग किसी पवन मल्होत्रा तो एक लेवल का एक्टर है, साथ में जो बाशिश ने किया वो सुपर है। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि मूवी जरूर देखें, एक बार जरूर देखें और किसी की फालतू बातें मत माने, किसी भी बहकावे में मत आए, मूवी देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। पाँच में से कितने स्टार देंगे? मैं 5 में से 5 देना चाहूँगा, लेकिन चलिए 4 देंगे, क्योंकि गाने वाने नहीं थे, म्यूजिक नहीं था, तो मैं 4।